दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें सीखेंगे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज करके किस तरह से किसी को भी उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के जरिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी नॉलेजबल है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो जैसे ही आप मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको फंड ट्रांसफर और मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप किसको पैसे भेजना चाहते हैं तो मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप फंड ट्रांसफर पे क्लिक करके डायरेक्टली उसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम फंड ट्रांसफर पे क्लिक करके किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर्च बेनिफिशियरी। अगर आपका पहले से ही आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप किसी नए व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आईपीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू, अदरवाइज आपका रहेगा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के जरिए, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी MMID के थ्रू। तो चलिए इसे एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको बेनिफिशियरी का नाम लिखना पड़ेगा, फिर निकनेम लिखना पड़ेगा, निकनेम में आप उसका नाम ही लिख दीजिए, फिर आपको एक बार अकाउंट नंबर और दोबारा से आपको अकाउंट नंबर डाल के कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की जो कि अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड है। यहाँ पे आप किसी भी बैंक में इस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लगेगा। तो अगर आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का नाम निक नाम लिखना पड़ेगा। अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि निक नेम क्या है, तो निक नेम आप उसका नाम लिख दीजिए और जो भी बैंक का नाम है वो बैंक का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना का ऑप्शन आता है। आईएफएससी कोड आपके चेक पे यानी कि उसके चेक पे दिया रहेगा, वो आईएफएससी कोड डाल सकते हैं आप। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च के बटन पे क्लिक करके आईएफएससी कोड जान सकते हैं। तो चलिए हम सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बैंक नेम पूछेगा, तो चलिए बैंक नेम हम सर्च कर लेते हैं, हमारा HDFC बैंक है। स्टेट पूछेगा तो स्टेट भी हम सर्च कर लेते हैं, तो गुजरात है। और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट भी आप सर्च कर लीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट भी लिख देते हैं। उसके बाद ब्रांच पूछेगा तो ब्रांच भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका आईएफएससी कोड यहाँ पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आप जिसको भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके पासबुक में ये सारी डिटेल लिखी हुई रहती है, यानी कि बैंक का क्या नाम है, कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और ब्रांच कौन सा है। तो आईएफएससी कोड भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे ये सारे डिटेल आप डाल लेते हैं वैसे ही आपको सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, और सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करते ही ये सारी डिटेल्स फेच कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा ब्रांच का एड्रेस लिख के आ जाता है। उसके बाद आपको अमाउंट डालना है और रिवर्क में आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं। और जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन आता है। सबसे पहले तो इमीडिएट पेमेंट और स्टैंडर्ड पेमेंट। देखिए इमीडिएट पेमेंट IMPS होता है, इसमें आपका जो पैसा है तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन कुछ चार्जेस लगते हैं। तो और स्टैंडर्ड पेमेंट में आपका जो NFT होता है यानी कि जो आपका पेमेंट होगा वो आधा घंटा बाद होगा, लेकिन आपके इसके कोई भी चार्जेस कटते नहीं हैं। तो मेरी सलाह है कि आप NFT कीजिए, स्टैंडर्ड पेमेंट कीजिए। तो स्टैंडर्ड पेमेंट जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपको ऑप्शन आएगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे आपको एक बार कंफर्मेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्मेशन के बटन पे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP दिया जाएगा, तो उस OTP को आप भर दीजिए, और OTP भरने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना छोटा सा ही प्रोसेस था, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और अब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए। यहाँ पर आपको रोज़ाना ऐसे ही पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तब तक के लिए आप पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को और समझना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं।